6块、8块。五块。可以起来，然后看前面。हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं हूँ अपने योगा स्टूडियो में और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाना खाने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, आपको मैं चलता हूँ अभी कुछ खाना खाने के लिए, मुझे बाहर जाना है दोस्तों। ये देखेगा दोस्तों, चाइनीज एम्प्लॉयज़ की परेड चल रही है। जो इस मॉल में काम करते हैं ना सब लोग, उनकी परेड कर रहे हैं इनके बॉस लोग। सिग्नल पर खड़ा हूँ जेब्रा क्रॉसिंग पे। ये देखिए डबल डेकन बस, चाइनीज डबल डेकन बस। और दोस्तों ये वाली जो कार आ रही है ना, ये रोल्स रॉय की बिल्कुल कॉपी है। जितने में एक रोल्स रॉय आती है ना 4-5 करोड़ में, उतने में ये 10 कार आ जाएंगी। और इसकी चाइना में कीमत 50 लाख रुपए है। अभी देख लो, और सेम टू सेम रोल्स रॉय की कॉपी है ये वाली कार। अभी कर रहा हूँ रोड क्रॉस, मुझे रोड के पार जाना है कुछ खाना खाने के लिए, और क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरी योग क्लास है। ये देखिएगा दोस्तों, अगर चाइना में आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप रफू करा सकते हो। ये महिला कपड़ों के ऊपर रफू कर रही है। और दोस्तों मुझे लेने हैं इस वाली दुकान से फ्राइड आलू, मतलब ये आलू को फ्राइड करके बेचते हैं। बहुत सारे वैरायटी के आलू हैं इनके पास। ये देखिएगा, ये प्लेन आलू हैं, मिर्च वाले आलू हैं, प्याज वाले आलू हैं, और ये फिर मिर्च और ऑयल वाले आलू हैं, और ये मिर्च और मांस है, वो पोटैटो चिप्स हैं। ये देखिएगा कितने सारे टाइप्स के इनके पास पोटैटो चिप्स हैं। वो चार थुदो थुदो हंडवाला इतनी 3 लाख है। ये देखिएगा दोस्तों, अभी 5 युआन के मैंने आलू लिए हैं। ये 5 युआन मैंने छुपा दिए इन महिला को। अभी ये चाइनीज महिला जी मुझे पूछ रही थी कि आपको कितने वाले आलू चाहिए। मैंने कहा 5 युआन वाले चाहिए, 5 युआन वाले, क्योंकि अलग अलग प्राइस के हैं ना, 5 के, 7 के, 8 के, 10 के। मैंने कहा 5 युआन वाले चाहिए। और फिर पूछने लगी कि मिर्च वाले चाहिए या फिर बिना मिर्च वाले चाहिए। मैंने कहा बिना मिर्च वाले चाहिए, हल्की हल्की मिर्च होनी चाहिए बस। वैसे हिंदू रहा है वो चुन को हाओ इतन इतन हाओ तो खाइया। ये देखेगा मेरे आलू बन के तैयार हैं। हाँ, और ये देखेगा दोस्तों, ये चाइनीज लड़की इस दुकान का ही प्रमोशन कर रही है। ट्रे में बहुत सारे टाइप्स के चिप्स रख रखे हैं और लोगों को खिला रही है फ्री में। इस दुकान का प्रमोशन कर रही है कि आओ यहाँ से खरीदो, अच्छे चिप्स हैं। ये देखेगा मेरे आलू बन के तैयार हैं। वो चा ख्वाइज बाय बाय। ये देखेगा दोस्तों, आलू मैं लेके आ चुका हूँ। अब मुझे चाहिए एक ड्रिंक, और ड्रिंक भी पास में ही है, उस दुकान से भी खरीद लेता हूँ। ये मेरे सामने जो दुकान दिख रही है, यहाँ से मुझे एक ड्रिंक खरीदनी है। देखिएगा मुझे खरीदनी है एक नाइसी, वो चाय का नाइसी। तो ये देखेगा दोस्तों, पेमेंट करना कितना ईजी है, जस्ट इस QR कोड को स्कैन करना है और 6 युआन मेरे कट चुके हैं। एक गगा वो चाय का ताइज, शिशनी। ये देखेगा, ये मेरी ड्रिंक मिल चुकी है मुझे। आलू और ये ड्रिंक, ये दोनों चीज़ मैंने ले ली हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे घुमा के लेके आता हूँ आप लोगों को। ये देखेगा दोस्तों, ये चाइनीज चाय है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर हैं, और फ्लावर्स की सुखा के चाय बना रखी है इन लोगों ने। ये देखेगा पानी में पका के इस तरीके से चाइनीज लोग इसी चाय को पीते हैं। ये शकरकंदी है। ये देखेगा लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, और ये तंदूरी रोटी चाइना में भी मिलती है दोस्तों। देखिएगा
तंदूर में सेकता है तिल और चीनी लगा के, मीठा होता है, तीखा नहीं है, मीठी तंदूरी रोटी है ये वाली। अभी चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। और ये देखिएगा दोस्तों, चाइना में कितने लंबे चौड़े फुटपाथ हैं ये लोगों के चलने के लिए बनाए हुए हैं, और साइड में ही दुकानें हैं बहुत सारे टाइप्स की, कपड़ों की। ये मोबाइल स्टोर है चाइना मोबाइल 5G। ये देखेगा दोस्तों, चाइनीज मनमोजी व्यक्ति, ये ना किसी की सुनता और ना किसी को अपनी सुनाता, बस अपनी ही मगन में मगन रहता है। देखिएगा, अभी जाता हूँ मैं एक अंडरग्राउंड मार्केट में, दिखाता हूँ आपको चाइनीज अंडरग्राउंड मार्केट। और इधर देखिएगा, ये काफ़ी लंबी अंडरग्राउंड मार्केट है, और ये मॉल है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चाइनीज कार पार्किंग सिस्टम। ये देखिएगा, ये है कार पार्किंग सिस्टम चाइनीज व्यक्तियों का। थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ, देखिएगा कैसे कार को पार्क्स किया हुआ है बड़े ही व्यवस्थित ढंग से। अभी चलते हैं वापस, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और अब हम चलते हैं वापस अपने योगा स्टूडियो में, वहीं बैठ के खाएंगे पिएंगे इस सारे सामान को। बस रोड के उस पार मेरा योगा स्टूडियो है, ये जो सामने बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग में सामने। अभी मैं वापस आ चुका हूँ अपने योगा स्टूडियो में, और ये है वो नाइस टेबल, इसे ऐसे सेट करना होता है, और उसके बाद ये पाइप ऐसे फाड़ा, और इसमें, और ये देखिएगा ये है फ्राइड पोटैटो। जस्ट अभी अभी योग कक्षा संपन्न हुई है और मैं बाहर आया हूँ। देखिएगा काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मैं और मेरे दो सदस्य जो मेरे पीछे चल रहे हैं। अभी मेरी क्लास में ही थे ये लोग दोनों, और तो अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ देंगे टीचर जी, लाओशी जी, चाइनीज़ में टीचर को लाओशी कहते हैं, तो ये लोग मुझे कह रहे हैं लाओशी हम आपको घर छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है इन दोनों सदस्यों के घर के बीच में, तो मैं आज इन्हीं के साथ जाऊँगा। ओके दोस्तों, ओके ये कह रहे हैं कि सीट को थोड़ा पीछे कर लो भाई, गोड्डे डेंगे नहीं तो। मैंने कहा ठीक है जी। ये देखिएगा दोस्तों, ये वोल्सवैगन की इलेक्ट्रिक कार है। अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, और अब करते हैं अपने घर की ओर प्रस्थान, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है। जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और अभी दिखाता हूं आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं चाइना के एक और नए व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों, ये लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, ये देखिएगा।